गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। के लिए गणित का लेसन प्लान लेके आई हूँ जिसमें टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम दिनांक। कक्षा 7 का यह विषय है वादन। विषय गणित, उपविषय रेखा गणित और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता, डबल इन्वर्टेड कॉमेंट डबल अंडरलाइन में। गणित के सामान्य उद्देश्यों को लिखेंगे जो कि गणित के हर लेसन प्लान में सेम होंगे, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। पहला, ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं त्रिभुजों की सर्वांग समता के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं त्रिभुजों की सर्वांग समता को भली प्रकार समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं त्रिभुजों की सर्वांग समता का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में प्रश्नों को हल करने में कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, चार्ट, शंपट, संकेतक आदि। नेक्स्ट पेज में आएंगे, पूर्व ज्ञान डालेंगे। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राओं को बिंदु रेखा आकृति का ज्ञान है, छात्र छात्राएं त्रिभुज की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। पहला क्वेश्चन होगा, वह सूक्ष्म चिन्ह जिसकी ना कोई लंबाई होती है ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई क्या कहलाता है? वह सूक्ष्म चिन्ह जिसकी ना कोई लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई होती है बिंदु कहलाता है। 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है? 2 बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनती है। 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितने कोण व भुजाएं होती हैं? त्रिभुज में 3 कोण व 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज की भुजा व कोण से संबंधित सर्वांगसम नियम के बारे में आप क्या जानते हैं? ये बच्चे को नहीं पता होगा, वो मौन हो जाएगा और यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आएंगे और उद्देश्य कथन डालेंगे। छात्रों, आज हम त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद एक बड़ी तालिका बनाएंगे जिसमें 7 कॉलम होंगे। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, शैंपट कार्य और मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है त्रिभुजों की सर्वांग समता, छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? तो 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की सर्वांग समता से आप क्या समझते हैं? ये बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, अस्पष्ट उत्तर आएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि जब 2 त्रिभुज की सारी भुजाओं व कोणों का मान समान होता है तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखने पर पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेता है। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। श्यामपट कार्य में दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि और प्रकरण डालेंगे। और शॉर्ट में लिख देंगे कि जब 2 6 त्रिभुज की सारी भुजाओं और कोणों का मान समान होता है तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं? तो बच्चे बता देंगे, जब 2 त्रिभुजों की सारी भुजाओं और कोणों का मान समान होता है तो वो दोनों सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। इसी के आगे उदाहरण देंगे, 2 त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। चूंकि यह दोनों त्रिभुज बिल्कुल समान है, अगर एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखे तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरीके से ढक लेगा, अतः यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। दृष्टांत विधि लिख देंगे क्योंकि एग्जाम्पल दिया था, और व्याख्यान विधि लिख देंगे। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि में हम चार्ट में इसी प्रकार से 2 समान त्रिभुज लगा के बच्चे को दिखा देंगे। अब मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, 2 त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं? जब एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखें तो एक त्रिभुज दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, तब वे सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। सेकंड शिक्षण बिंदु डालेंगे, त्रिभुज की सर्वांगसमता के प्रतिबंध या नियम, छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं समान हो क्या कहलाता है? 3 समान भुजाओं वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज की सर्वांगसमता के कौन कौन से नियम हैं? स्पष्ट उत्तर आएगा। स्पष्टीकरण करेंगे, त्रिभुज की सर्वांगसमता के निम्नलिखित नियम हैं, जैसे पहला है SSS सर्वांगसमता प्रतिबंध। यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। AC = PQ = 3.5, AB = PQ = 5 cm और BC = RQ = 7.1 cm, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है PQR। यहाँ पे हम प्रदर्शन विधि डालेंगे, व्याख्यान विधि डालेंगे और इस प्रदर्शन चार्ट में इसको SSS को अच्छे तरीके से समझा देंगे, ठीक है। इसी तरह फिर B डालेंगे, SAS सर्वांगसमता प्रतिबंध। यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत 2 भुजाओं व उनके अंतर्गत कोण के बराबर होते हैं, त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। RQ = AC = 8 cm, angle B = angle P = 90 degree और AB = PR = 3 cm, तो त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के। इसको भी हम चार्ट द्वारा अच्छे से समझा देंगे। क्वेश्चन पूछेंगे, SSS सर्वांगसमता प्रतिबंध क्या है? SSS सर्वांगसमता में एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर होती हैं।
नेक्स्ट डालेंगे ASA प्रतिबंध। एक त्रिभुज के दो कोणों व उसके अंतर्गत भुजा किसी भी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों व अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। एंगल A बराबर एंगल D बराबर 30 डिग्री, एंगल B बराबर एंगल E बराबर 50 डिग्री, AB बराबर DE बराबर 7 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। डी पॉइंट डालेंगे RHS सर्वांगसमता प्रतिबंध। यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। एंगल B बराबर एंगल P बराबर 90 डिग्री, RQ बराबर AC बराबर 8 सेंटीमीटर, कर्ण AB बराबर PR बराबर 3 सेंटीमीटर, भुजा और त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और शाम पर कार्य को कॉपी में नोट करेंगे। विधियों में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और यहाँ भी व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। यहाँ पर भी प्रदर्शन विधि में हम चार्ट में ASA सर्वांगसमता को समझा देंगे और यहाँ RHS सर्वांगसमता को समझा देंगे। मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे RHS सर्वांगसमता प्रतिबंध किस त्रिभुज में आता है, तो RHS सर्वांगसमता प्रतिबंध केवल समकोण त्रिभुज में लगता है। तालिका को बंद कर देंगे, कक्षा कार्य निरीक्षण कार्य डालेंगे। छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं से शाम पर कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करने को कहेंगे और कक्षा में घूम घूम कर प्रत्येक छात्र के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे, पहला प्रश्न है त्रिभुजों में कितनी सर्वांगसमताएँ होती हैं और दूसरा प्रश्न है SAS को उदाहरण देकर समझाइए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।